कल हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट होते हैं, एक होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा था फर्टिलाइजेशन, और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले वाला इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। इसमें क्या आया था? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस मतलब बन रहा है, क्या चीज बन रहा है? गैमेट, गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा था गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर तब भी होना होगा तब ना जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट ट्रांसफर, पिछले क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस तो पढ़ लिया था कि कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस, लेकिन गैमेट ट्रांसफर नहीं पढ़ा था। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, हाउ गैमेट ट्रांसफर अगर, ठीक है ना। तो बात करें, देखो कुछ जीवों में होता है ना गैमेट आइसोगैमेट होता है, कुछ जीव में आइसोगैमेट होता है, कुछ जीव में अनआइसोगैमेट होता है, लेकिन कुछ जीवों में ऐसा होता है दोनों गैमेट मूव कर सकता है। कुछ जीवों में, सम ऑर्गेनिज्म में बहुत गैमेट यानी मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों गैमेट मूव कर सकता है, बहुत गैमेट कैन मूव। इसका एग्जांपल होता है तो एग्जांपल के बेस्ट एग्जांपल क्या है? एल्गी है। क्या है? एल्गी है। बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो क्या है? एल्गी है इसका बेस्ट एग्जांपल, जो कि जिसका एल्गी है इसका बेस्ट एग्जांपल जिसको जिसका दोनों गैमेट मूव कर सकता है। कौन है? एल्गी। एल्गी है इसका बेस्ट एग्जांपल जिसका दोनों गैमेट मूव कर सकता है। इसका एग्जांपल एल्गी, एल्गी में भी कौन सा एल्गी है? क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एजेंसी आगे में दिया हुआ है। दोनों गैमेट के पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला किसे मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है। तो एल्गी के पास, एल्गी मूव कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका दोनों गैमेट मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए तो वो हम फीमेल गैमेट एंड स्पर्म मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। ये होता है फीमेल गैमेट, फीमेल का सिंबल ऐसे डोनोट पढ़ते हैं, फीमेल गैमेट GAMET गैमेट, ये होता है मेल गैमेट, मेल को बायोलॉजी में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मेल गैमेट। स्पॉन मूव कर सकता है, इसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या चीज में मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजिला क्या चीज में मदद करता है? मूवमेंट में मदद करता है, लेकिन ओवम के पास कोई फ्लैजिला होता ही नहीं, इसीलिए ओवम मूव नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास ये दोनों गैमेट मूव कर सकता है क्योंकि दोनों के पास फ्लैजिला होता है, लेकिन मैक्सिमम के पास दोनों गैमेट मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही गैमेट मूव कर सकता है, जनरली करता है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट है, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट है, क्या करना होगा? मेल गैमेट को मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाना होगा। ये कैसे जाएगा? कुछ मीडियम तो चाहिए जाने के लिए, ऐसा हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं, कुछ मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बात की जाए
एल्गी, एल्गी क्या है, प्लांट है, प्लांट को प्लांट को कई फाइलम में बांटा गया है, जिसमें होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी पांच फाइलम में प्लांट को बांटा गया है। उसमें एक फाइलम है एल्गी, एल्गी एल्गी ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों प्लांट है ना वाटर के एकदम करीब पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? वाटर के एकदम करीब में पाया जाता है, पास पास पाया जाता है, इसीलिए ये वाटर के करीब पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसको ट्रांसफर के लिए, इसको गैमेट ट्रांसफर के लिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए इसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। यानी एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में गैमेट ट्रांसफर के लिए मीडियम कौन सा है? वाटर है। तो वाटर के द्वारा एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमेट ट्रांसफर होता है। वाटर के द्वारा एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। वही बात की जाए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए, इसके तो बात करिए लोअर प्लांट है, इसमें फूल होता नहीं है, ये वाटर के करीब पाया जाता है। क्यों करीब पाया जाता है? क्योंकि इसको गैमेट ट्रांसफर के लिए चाहिए क्या? वाटर चाहिए। वाटर में गैमेट मेल गैमेट तैयार के फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए जिसमें फ्लावर होता है, उसमें एक इवेंट होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। इसके द्वारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा टू स्टाइल ऑफ ओवर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ ओवर। देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलन ग्रेन क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट में एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मेल गैमेट पाया जाता है, उसी स्ट्रक्चर को पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है ना। और क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ ऑफ ओवरी, स्टिग्मा ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा कर सकते हो, ठीक है ना। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर कर सकते हो, ओवरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा ये क्या होता है? स्टेमेन और स्टिग्मा होता क्या है? इसको पढ़ते देखो, ये है ना, ये फ्लावर मान लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है ओवरी, इसकी ये होता है स्टेमेन होता है, ठीक है ना, स्टेमेन होता है, ये होता है पेटल सेकोन, ठीक है ना। तो जो मेल पार्ट होता है ना फ्लावर के अंदर उसे स्टेमेन कहते हैं, जो फीमेल प्लांट होता है ना उसे पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल, पिस्टिल पर ट्रांसफर होना चाहिए, स्टिग्मा पर क्या ट्रांसफर हो रहा है? देखो ये फीमेल प्लांट है ना, ये फीमेल फीमेल पार्ट है। चाइना रोज या मैं देखोगे ना तो ये स्पॉट दिखेगा, ये फीमेल पार्ट है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये जो ई है ना इसको स्टाइल कहते हैं, ये गोलू सा पार्ट है ना उसे ओवरी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेल गैमेट का यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाना ही ना पॉलिनेशन कहलाता है,
यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाना ही ना पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। फ्लावर प्लांट में कैसे होता है ग्रामर ट्रांसफर? पॉलिनेशन द्वारा। कौन करता है, कौन करता है ट्रांसफर? तो पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है, वही ट्रांसफर होता है क्या से एंथर से स्टेमेन से स्टिग्मा तक। इसको ये वाला पार्ट है ना, इसको एंथर कहते हैं, ये वाला पूरा पार्ट को फिलामेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब पूरा मिला को स्टेमेन कहते हैं, ये पूरा पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। मेल पार्ट स्टेमेन, फीमेल पार्ट पिस्टिल। तो ये पिस्टिल का जो तीन भाग होता है, पहला ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है, उसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये बीच वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक के पार्ट, उसे स्टाइल कहते हैं। ये क्या है? ओवरी है, ठीक है ना। तो जो एंथर का, एंथर से स्टिग्मा तक का पॉलन का जो ट्रांसफर है ना, वो पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दो बात आता है, हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसियस के एक डायोसियस के बारे में। मोनोसियस प्लांट, एक डायोसियस प्लांट। मोनोसियस कौन होता है? जिसमें मेल फ्लावर प्लस फीमेल फ्लावर पाया जाता है। The plant which contain male and female both flower are in monoecious, मतलब एक ही पेड़ में male भी पार्ट होगा, female भी पार्ट होगा, उसे क्या कहेंगे? monoecious कहेंगे। और dioecious में क्या कहेंगे? एक पेड़ में एक ही पार्ट होगा। One plant contain male या फीमेल फ्लावर, मतलब मेल होगा तो एक प्लांट है, उसमें मेल एक प्लांट है, एक मेल होगा, दूसरा प्लांट में फीमेल होगा, जैसे पपाया है ना डायोसियस है। मतलब कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर ना पाके अलग अलग प्लांट में पाया जाता है, एक में मेल पाया जाता है, दूसरा प्लांट में फीमेल पाया जाता है, एक प्लांट में नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। ये मोनोसियस को देख ले, मोनोसियस के एक ही प्लांट है, ठीक है ना, एक ही प्लांट है, उसी में फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है ना। योरी है, स्टाइल है, ये स्टाइल है, योरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, या पूरा को मिला के स्टेमन कर ले, ठीक है ना। देखो एक ही प्लांट है, उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोसियस प्लांट कहेंगे, मोनोसियस प्लांट कहेंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखो, मेल गैमेट ट्रांसफर होने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ रहा है, एकदम तुरंत यहाँ पर बगले में इसे ट्रांसफर करेगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोनोसियस प्लांट में गैमेट ट्रांसफर होना इजी लग रहा है, तो मतलब कहीं दूसरा जगह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एगो पेड़ यहाँ है, एगो बहुत दूर है, तो यहाँ से वो के वहाँ तक जाना होगा किसी पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, या किसी पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसे ट्रांसफर हो गया। और डायोसियस में मान लो कि ये एक प्लांट ये है डायोसियस में, जिसमें मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, एक ही प्लांट में मेल पार्ट फीमेल पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। देखो एक ही प्लांट ये है, ये डायोसियस से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक प्लांट ये है, इसे मान लो कि एक फ्लावर लगा, ठीक है ना, ये क्या फीमेल पार्ट है, इसमें इसमें मेल पार्ट नहीं होगा, मेल पार्ट किसी और प्लांट में होगा। ये प्लांट है, इसमें क्या हो, मेल पार्ट है, इसमें ये अलग अलग प्लांट है, तो इसके स्टिग्मा से, सॉरी इसके स्टेमेन से इसके स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पे ट्रांसफर होने में पोलन ग्रेन
पॉलन एंड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल काम है कि यहाँ से यहाँ आना पड़ा, लेकिन इसका रिलेटिव थोड़ा ईजी है। यहाँ से पॉलन एंड यहाँ से निकलेगा आ यहाँ पर आ जाएगा, पॉलिनेशन आसान है। लेकिन इसमें देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ राउंड करके फिर यहाँ करके यहाँ आना हुआ, यानी थोड़ा पॉलिनेशन मुश्किल काम है। यानी 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 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट इन मोनोसियस, यानी मोनोसियस मतलब इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में पाया जा रहा है, मोनोसियस प्लांट इज रिलेटिव इजी, मतलब टाइगोसियस के कंपेरिजन में मोनोसियस में ट्रांसफर होना मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के पास वो रिलेटिव इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि दोनों पास पास एक ही प्लांट में ही पाया जाता है, तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन डायोसियस में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। अब बात आता है एनिमल में, एनिमल में गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, एनिमल में गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो एनिमल में एक विशेष प्रोसेस द्वारा गैमेट का ट्रांसफर होता है, यानी उसे क्या कह सकते हैं, मेटिंग। एनिमल में कौन सा प्रोसेस होता है, मेटिंग के द्वारा गैमेट का ट्रांसफर होता है। यानी एनिमल में सभी एनिमल नहीं कह सकते हैं, मैमल्स कह दो, मैमल्स एनिमल के यहाँ तात्पर्य मैमल्स की कह रहे हैं। मैमल्स कौन जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मैमल्स कौन जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है उसे मैमल्स कहते हैं। मैमल्स कौन जिस स्पेशली मैमल की बात की जाए तो मैमल कौन होता है जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है वो सारा मैमल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हो गया एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, हम लोग हो गए, एप हो गया, लंगूर अंगूर लंगूर हो गया, या फिर मंकी हो गया, सारा मैमल के अंदर आता है। चूहा हो गया, डंकी हो गया, सारा मैमल जिसके पास मेमोरी ग्लैंड पाया जा रहा है वो क्या है, मैमल। मैमल में कौन सा स्पेशल गैमेट ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, वो मेटिंग द्वारा गैमेट ट्रांसफर करता है। बाकी सब एनिमल के क्या कहेंगे, तो एनिमल है ना, एनिमल में गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है जनरली, जनरली हम कह रहे हैं, ठीक है ना, होता है। तो यह स्पेशल मैकेनिज्म मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया, यह इवॉल्व क्या क्या इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर गैमेट, स्पेशल मैकेनिज्म प्राप्त कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है, किसके किसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो एनिमल में एक स्पेशल मैकेनिज्म द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, ठीक है ना। अब बात की जाए, गैमेट तो पहुंच गया, अब क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी
या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसको हिंदी में बात की जाए इसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, निषेचन। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। बायोलॉजी में मेल को ऐसे डिनोट करते हैं और फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। फीमेल सिंबल है, ठीक है ना, गैमेट इज, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम कहीं भी नहीं करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन होगा तो जान गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कहेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आता है, एक टर्म भी आता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इसमें होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट से इंडिविजुअल बन जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन उत्पादन नहीं होता है, डायरेक्ट फीमेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज बन गया। यानी इसे मेल गैमेट से जोड़ते नहीं है, ये फीमेल गैमेट है, इसे डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ, इसे क्या बन गया? डायरेक्ट ऑर्गेनिज बन गया। माइटोसिस हुआ, डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, इसे ऑर्गेनिज बन गया। इसे फर्टिलाइजेशन की जोड़ते नहीं है, इसे इसे ऐसे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल बेस्ट है हनी बी, हनी बी। इसमें होता है ना फीमेल हनी बी एक देती है और उसे डायरेक्ट क्या बन जाता है? ऑर्गिन बन जाता है, नया हनी बी बन जाता है, मेल बन जाता है, ड्रोन बन जाता है। यानी इसमें पार्थेनोजेनेसिस की जरूरत नहीं है, सॉरी इसमें फर्टिलाइजेशन के जरूरत नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस मेल फीमेल गैमेट क्या करेगा? डायरेक्ट ऑर्गेनिज बना लेगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, मेल गैमेट की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट बना उसे ऑर्गेनिज बन गया। इसे एग्जांपल हनी बी, हनी बी रोटीफॉर कुछ लिजार्ड, छिपकली सब लिजार्ड, कुछ प्रजाति है लिजार्ड के, उसका फीमेल गैमेट को जोड़ते नहीं, मेल गैमेट को जोड़ते नहीं, फीमेल गैमेट डायरेक्ट इवॉल्व होगा, डिवीजन होगा, मेल गैमेट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। सब लिजार्ड, कुछ बर्ड भी है, कौन सा बर्ड है? टर्की, टर्की नाम के एक ऐसा बर्ड है जिसको रिप्रोडक्शन के लिए मेल की जरूरत नहीं पड़ता, फीमेल गैमेट बनता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है ना। तो ये पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये क्या हुआ? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि गैमेट तो बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह ही नहीं सकते। इसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गया कि मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये देखो हनी बी एक दिया, फीमेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन गया। कौन सा ऑर्गेनिज्म बनता है ये गैमेट से? कौन सा ऑर्गेनिज्म बनता है? ड्रोन बनता है हनी बी में, ड्रोन। ड्रोन बनता है। एक कहावत भी है कि जो ड्रोन है मेल हनी भी होता है उसका कोई पिता नहीं होता है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फीमेल गैमेट डिवीजन होके डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बना लेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन के जरूरत नहीं है, उसे क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। एक सवाल आता है, फर्टिलाइजेशन आखिर होता कहाँ है? वेयर फर्टिलाइजेशन अकर,
फर्टिलाइजेशन आखिरकार होता कहाँ है? तो कुछ केसेस में वाटर के अंदर होता है, कुछ केसेस में फीमेल के फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है ना? तो बात की जाए एम्फीबियन कौन, मेढक वगैरह है ना, एम्फीबियन के अंदर आता है, जो पानी में भी रहता है जमीन पर भी रहता है उस वो एम्फीबियन के अंदर आता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर भी रह रहा है और जमीन पर भी रह रहा है एम्फीबियन कहलाएगा। एम्फीबियन फीसेस की बात की जाए तो इसमें ये क्या करता है, मेटिंग होगा, मेल मान लो मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, मेटिंग करेगा और यहीं पर ये मेल फ्रॉग भी अपना मेल गैमेट यहाँ छोड़ देगा और फीमेल फ्रॉग अपना ओम या फीमेल गैमेट यहाँ छोड़ देगा, ठीक है ना? और ये पानी के अंदर यहीं पर ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज कर देगा। एम्फीबियन फीसेस में फीसेस में क्या होगा, ये फीसेस है, मान लो फीस है, ये मान लो ना, अरे मान लो ना ये फीस है, ठीक है ना? फीस लग नहीं रहा, मान लो फीस है, ठीक है ना? ये फीस है, मेल फीस है, फीमेल फीस से मेटिंग करेगा और ये अपना मेल फीस भी अपना गैमेट यहीं पर छोड़ देगा मेटिंग के बाद, और फीमेल गैमेट भी अपना फीमेल फीस भी अपना गैमेट यहीं पर छोड़ देगा। अब वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इन वाटर, कहाँ होगा, वाटर में होगा। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ह्यूमन की बात की जाए, एलिफेंट की बात की जाए, बाकी सब ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, जैसे मैमल्स की बात की जाए, मैमल्स में जिसमें मेमोरी का नाम था उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी, फीमेल मेल मेटिंग करेगा, फीमेल बॉडी फीमेल के बॉडी, ये मेल है, मेल क्या करेगा अपना गैमेट, मेल गैमेट फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, फीमेल के अंदर जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना? तो ह्यूमन एलिफेंट बाकी सब मैमल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फीमेल बॉडी में होता है। लेकिन ये एम्फीबियन फिशेस के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, कहाँ होता है, वाटर में होता है। अब सवाल आता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या, बनेगा क्या? मान लेते हैं कि ये मेल गैमेट वो फीमेल ओवम है, आई मेल मेल गैमेट है, मेल गैमेट है, आई फीमेल गैमेट है, ठीक है ना? ये क्या क्या फ्यूज करेगा, ये लोग फ्यूज कर गया, फ्यूज कर लगा बनेगा क्या, सवाल आता है ना? फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद का, उसके बाद क्या बनेगा? तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट क्या होता है, ये जाइगोट, जाइगोट से ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। फिर क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, एक सेल, ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल से डबल सेल बनेगा, दो गो सेल बनेगा, दो से चार, चार से छः, छः चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ से एक सौ अट्ठाईस, एक सौ अट्ठाईस से दो सौ छप्पन, दो सौ एक सौ अट्ठाईस से कितना होगा, छोड़ देना, ऐसा ही दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन से पाँच सौ बारह, पाँच सौ बारह से दस सौ चौबीस, दस सौ चौबीस से बीस सौ अड़तालीस, मतलब वैसे उनके बढ़ते 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 इतना सेल बना लेगा और धीरे धीरे उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, नाक कान मुँह आँख बनेगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है ना? तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। अब जानते हैं कि जाइगोट का फिर होता क्या है, ये जाइगोट बना, गोलू सा स्ट्रक्चर बना, फुटबॉल जैसा गोल स्ट्रक्चर बना, जाइगोट बना, छोटू सा होता है, माइक्रोस्कोपी होता है, आँख से हम देख नहीं सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिंगल सेल होता है, ठीक है ना? ये जाइगोट बना, तो जाइगोट का होगा क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, एल्गी एंड फंजाई की बात की जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में
ये जायगोट का आखिर आगे होगा क्या, ये डिपेंड करता है कंडीशन, क्या कहता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला इन्वायरमेंट की फेवरेबल है कि नहीं है, और दूसरा लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, कैसा है, प्लांटिंग है कि डिप्लांटिंग है, ये पर डिपेंड करता है जायगोट का आखिरकार आगे चल के हुआ क्या। अनफेवरेबल कंडीशन में ये एल्गी फंजाई अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये जायगेट को ऊपर एक थिक लेयर बना लेगा, फॉर्म थिक लेयर, ताकि ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब फेवरेबल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन है, हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडा हो, ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है, थिक लेयर बना लेता है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। हमने पढ़ा था ये जायगोट है, ठीक है ना, जायगोट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, मेल गैमेट हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जायगोट का किसी में मियोसिस होगा, किसी में माइटोसिस होगा, माइटोसिस किस में हुआ, जिसका डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होगा ना, ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल LIFECYCLE लाइफ साइकिल, मतलब वैसा डिप्लॉइंटिक है, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाए, जैसे कि हम लोग हो गए जानवर, एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया, कोई डॉग हो गया, तो मतलब जो मैमल्स हो गया, जो बड़े जीव है, उसमें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, वैसे कंडीशन में उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, मतलब इसमें जितना क्रोमोजोम रहेगा वही डिवीजन के बाद भी उतना ही क्रोमोजोम रहेगा, लेकिन मियोसिस होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी की बात की जाए, सम एल्गी की बात की जाए, कुछ फंजाई की बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल होता है, एल्गी ब्रायोफाइट की बात की जाए, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल होता है, क्या होता है, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब उसमें जिसने इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, मतलब कि जायगोट में मान लो कि चार पाया जा रहा है, तो उसके ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाएगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा, मतलब इसमें से दो पाया जाएगा, और क्या होगा, देखो इसमें डिवीजन होगा ना, दो पाया जाएगा, इसमें चार है, इसमें चार है, यानी डिप्लॉइडी जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, वैसे ऑर्गेनिज्म में, वैसे ऑर्गेनिज्म के जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, वैसे ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा, मियोसिस होगा, जायगोट में, जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, मियोसिस किसमें होगा, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, मतलब हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल जी रहा है, उसका सारा सेल हैप्लोइंटिक है, वैसे कंडीशन क्या होगा, मियोसिस होगा, डिप्लॉइंटिक जिसका लाइफ साइकिल जी रहा है, जैसे कि मैमल्स हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग हो गए, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, जो भी डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल जी रहा है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है ना। तो जायगोट का माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जायगोट का क्या होगा, वो क्या एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, दूसरा चीज पर क्या चीज पर डिपेंड करता है, लाइफ साइकल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में ध्यान रखना, एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जायगोट का आखिरकार आगे का होगा, ये एनवायरमेंट पर हम लोग जायगोट, जायगोट पर डिपेंड करता है, और ऑर्गेनिज्म हैप्लोइंटिक होगा या फिर डिप्लॉइंटिक होगा, वो पर डिपेंड करता है कि जायगोट का आखिर क्या होगा। ये जायगोट फॉर्मेशन है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ग्रेड के अंदर आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो हम लोगों ने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, किसका क्या हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ था, गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, गैमेट बना था, और क्या हुआ था, गैमेट ट्रांसफर हुआ था, गैमेट का क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था,
फर्टिलाइजेशन में क्या मेल गैमेट फीमेल का ट्राके मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, जायगोट बना। तो जायगोट बना तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो बाद बना, फर्टिलाइजेशन के बाद बना। तो क्या हुआ, पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा क्या, जायगोट आएगा। जायगोट का क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है, मियोसिस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिज में क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। जायगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज में। कुछ लोअर ऑर्गेनिज है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज है जिसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल है, उस ऑर्गेनिज का लाइफ साइकिल है वो क्या है, हैप्लोइंटिक है। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिज के लाइफ साइकिल है क्या, डिप्लोइंटिक। डिप्लोइंटिक मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जा रहा है, हैप्लोइंटिक मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में जायगोट का सिंगल सेट में क्या होगा, मियोसिस होगा। डबल सेट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्रोमोजोम में हेर फेर नहीं होता, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप लोगों ने जायगोट तो पहन लिया, बाकी बना के बचा क्या, जायगोट बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट का डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद क्या होगा, बहुत सारा सेल बनेगा। ये क्या होगा, ये प्रोसेस क्या कहेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो बन रहा है। जेनेसिस मतलब बनना, जहां जेनेसिस लगे वहां बनना, एम्ब्रायो बन रहा है। कैसे बनेगा, ये जायगोट है, एक सिंगल गोलू सा सेल है। जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन, लेकिन डिवीजन होगा। मैक्सिमम केस में माइटोसिस होता है, ठीक है ना, डिवीजन होगा। और क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवीजन का समझ में आ गया कि एक से दो सेल बना, दो से चार सेल बना, चार से आठ सेल बना, आठ से सोलह सेल बना, डिवीजन का समझ में आ गया। लेकिन ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो कि ये जायगोट है, जायगोट मान लो एक से दो सेल बनाया, दो से चार सेल बनाया, चार से आठ बनाया, आठ से सोलह बनाया, इसे बढ़ते गया सेल, सेल बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ये भी तो गोलू सा स्ट्रक्चर हो रहा है। इसमें हाथ पैर कहाँ है, नाक मुंह कान कहाँ है, ये तो सिर्फ एक गोलू सा स्ट्रक्चर, बोल सा थैला सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसा तो जन्म नहीं देता है, ऐसा तो क्या कहते हैं, फीटस नहीं होता है, ऐसा तो शिशु नहीं होता है, ऐसा बच्चा तो होता नहीं है किसी का। तो इसका मतलब इसको क्या, कुछ हाथ पैर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये डिवीजन हुआ, डिवीजन होके कुछ सेल है ना, इसको सलाई हो जाता है, इसमें से कुछ सेल बना लेगा, हाथ बना लेगा, कुछ सेल कहेगा ना कि ना हम गर्दन में बना लेंगे, कुछ सेल कहेगा टेंशन ना लो हम हेड बना लेते हैं, कुछ सेल कहेगा कि हम दूसरा हाथ बना लेते हैं, डोंट वरी, कुछ सेल कहेगा ये नीचे वाला पेट उठ वाला भाग हम बना लेते हैं, कुछ सेल कहेगा कि कहाँ टेंशन लेते हो हम, है ना, हम पैर बना देते हैं, कुछ और दूसरा सेल कहेगा कि टेंशन कहा लेते हो हम, है, हम दूसरा पैर बना लेते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेगा, कुछ नाक बना देगा, कुछ कान बना लेगा, कुछ आँख बना लेगा, हो गया शिशु का निर्माण। तो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डिफरेंशिएट हो रहा है। एक हाथ बना रहा है तो दूसरा, कुछ सेल हाथ बना रहा है तो कुछ सेल पैर बना रहा है, कुछ सेल आंख बना रहा है तो कुछ सेल नाक बना रहा है। यानी जो जायगोट है एम्ब्रायोजेनेसिस के लिए, एम्ब्रायोजेनेसिस के लिए, एम्ब्रायो के लिए क्या जरूरी है, डिवीजन का जरूरी है। नंबर सेल बनेगा तब ना जाके हाथ पैर बनाएगा, सेल की संख्या तो बढ़ना चाहिए, डिवीजन भी जरूरी है। और क्या दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब कुछ से डिफरेंशिएट होगा, अलग हो गए, अलग होगा, डिफरेंशिएट हो गए, ये हाथ बना लेगा कुछ, दूसरा हाथ बना लेगा कुछ, पैर बना लेगा दूसरा पैर बना लेगा, कुछ पेट भी बना लेगा, कुछ अंदर की छपड़ा वगैरह बना लेगा, कुछ दिल भी बना लेगा, कुछ क्या बना लेगा, हेड बना लेगा। इसे सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज हो रहा है। उसी क्या, उसी की क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो रहा है सेल। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन या डिवीजन। तो जायगोट को एम्ब्रायो बनने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। पहला क्या होता है, डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होगा नंबर ऑफ सेल बनेगा, दूसरा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होगा क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया, दो टर्म आता है, एक आता है ओविपेरस, एक आता है विवीपेरस।
एक क्या आता है ओविपेरस, दूसरा क्या आता है विविपेरा। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एग देता है, क्या होता है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, बर्थ यंग वंस। ओविपेरस क्या होता है जो अंडा देता है, अंडा से बच्चा निकलता है, उसको ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं ओविपेरस कहेंगे। अब विविपेरस किसे कहेंगे, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देगा, अंडा नहीं देगा बच्चा देगा, ठीक है ना। वैसे करने से क्या है उसको क्या कहेंगे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे विविपेरस, मतलब विविपेरस डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रहा है, ओविपेरस अंडा दे रहा है पहले, फिर अंडा से अंडा में डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तब बच्चा बनेगा। यह एक कैसा होता है फर्टिलाइज भी हो सकता है अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगो जो होता है गैमेट का, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो वो भी पेरस वैसा जो अंडा देता हो, भी पेरस वैसा जो डायरेक्ट यंग वंस यानी बच्चे को जन्म देता है उसे क्या कहेंगे भी पेरस कहेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया एनिमल के केस में, अब आता है प्लांट के बारी, प्लांट के बारी। प्लांट में क्या होता है फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं पिस्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं पिस्टिल कहते हैं। यहाँ पर क्या आया था पॉलिनेशन द्वारा क्या आया था पॉलन गिरन आया था। पिस्टिल का ये क्या है स्टाइल है, इस पार्ट को क्या कहते हैं स्टाइल होता है, स्टाइल में स्टाइल कहते हैं। जो पॉलन जो रिसीव करता है पॉलन उसे क्या कहते हैं इस पार्ट को क्या कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। पूरे गोलू सा पार्ट के गोलू सा पार्ट है उसे क्या कहेंगे ओवरी कहेंगे, ठीक है ना। ओवरी के अंदर एक और गोलू सा पार्ट होता है यहाँ पे सुराही टाइप के देख सकते इमेजिन कर सकते ये है ये ऐसे निकला हुआ है हाँ ऐसा कर देगा एक और गोलू सा पार्ट होता है उसे क्या कहेंगे ओव्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं ओव्यूल कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है फीमेल गैमेट होता है, क्या होता है फीमेल गैमेट होता है, क्या होता है फीमेल गैमेट। तो जो पॉलन ग्लैंड आया ना पॉलन ग्लैंड यहाँ पर जैसे आएगा ये ओवरी है ना इसको बहुत सारा खाना उना देगा, इस चीज खाना उना देगा तो इसमें क्या होगा डिफरेंशियल एनर्जी देगा, तो डिफरेंशियल इसमें से क्या निकलेगा पॉलन ट्यूब निकलेगा, ट्यूब से स्ट्रक्चर निकलेगा और कहाँ जाकर मिलेगा इससे जाके मिलेगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब में से यहाँ से क्या निकलेगा मेल गैमेट आएगा, पॉलन से मेल गैमेट आएगा यहाँ जाके फीमेल गैमेट से क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ओव्यूल के अंदर क्या होगा फर्टिलाइजेशन पॉलन ये पॉलन ग्रेन आया गोलू सा स्ट्रक्चर आया इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और ओव्यूल के अंदर जाएगा, ओव्यूल के अंदर जाएगा ठीक है ना ट्यूब अंदर चल गया इसी में से जो मेल गैमेट हो क्या है पॉलन ग्रेन के अंदर है तो ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है, ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा ओव्यूल के अंदर होगा, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा ना ये जो ओव्यूल वाला इसको क्या है ट्यूब के पार मिटाते हैं भाई, ठीक है ना। ये ओव्यूल है छोटू सा गोलू सा स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर, वो क्या बनाएगा सीड बना लेगा, ये वो छोटू गोलू सा स्ट्रक्चर क्या बना लेगा सीड बना लेगा। ओव्यूल क्या बनाएगा सीड बनाएगा, जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये बड़ा सा गोलू सा स्ट्रक्चर वो क्या बनाएगा फ्रूट बनाएगा, क्या बनाएगा फ्रूट। जो हम लोग सीड देखते हैं बीज देखते हो क्या चीज का बना होता है ओव्यूल का बना होता है, उसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट इसको फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और जो बड़ा सा गोलू सा पार्ट है बड़ा मतलब इस सेंस में बड़ा बना है कि ओव्यूल से बड़ा है, छोटा होता है इसे, ठीक है ना, बहुत छोटा इतनी छोटा आँख से देख सकते हैं लेकिन गैमेट को आँख से नहीं देख सकते हैं। ये बड़ा सा ओवरी सा पार्ट है ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगा फ्रूट बनाएगा फल बनाएगा, ये ओवरी क्या बनाएगा फल बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाएगा फ्रूट बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा ओवरी का बाहरी भाग है ना वही फल का जो बाहरी लेयर होता है पेरिकार्प वो बनता है, ठीक है ना। और सीड का जो ओव्यूल का बाहरी लेयर वो सीड का जो बाहरी कवर होता है ना वो बनता है। तो ओव्यूल क्या बनाएगा सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा फ्रूट बनाएगा, याद रखना। आज का चैप्टर होता है ये पहला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म होता है, कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ।